दिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज अभी वीक थर्ड चल रहा है। जैसे जैसे वीक बढ़ रहा है ना, तो एक एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है, मतलब मुझ में तो बढ़ रही है, आप लोगों में किस किस में एक्साइटमेंट बढ़ रही है मुझे बताना कमेंट करके। एंड काफ़ी लोग बहुत खुश हैं मुझे, जो मैं कमेंट पढ़ रही हूँ ना, हर कमेंट में मतलब ये समझ लो फीडबैक ही नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि आई थिंक सब लोग ही, मुझे लग रहा है कि मेरे चैनल पे जो है वो मोस्टली सब लोग ही इसको यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं एंड अपने बालों को सब लंबा करना चाहते हैं। हर लड़की का सपना ही होता है कि यार हमारे भी बाल लंबे हों, है ना, बाल सुंदर दिखें, अच्छे दिखें, सब लोग चाहते हैं। एंड DIY होम रेमेडी से आप लोग अपने बालों को चाहे जितना अच्छा कर सकते हैं, लंबाई अच्छी कर सकते हैं, बालों को ग्रोथ कर सकते हैं, बालों में शाइनिंग, चमक, डैंड्रफ दूर करेंगे, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ पॉसिबल है आप अपने नेचुरल चीज़ों के साथ में। एंड मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हमेशा नेचुरल चीज़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो होने वाली है 1 मंथ टीनेजर लॉन्ग हेयर सीरीज़ की। वीक थर्ड चल रहा है एंड वीक थर्ड में मैंने आपको ऑयल मैंने नहीं दिया, बिकॉज ऑयल हमें वही यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया था, जो हम तुरई वाला ऑयल मैंने बनाया था। एंड एक इससे पहले जो फर्स्ट वीक में ऑयल बनाया था ना, फर्स्ट और सेकेंड वीक के, दोनों वीक के जो ऑयल हैं वही हमारे कंटिन्यू थर्ड वीक में चलाने हैं हमें, ठीक है। हम इस वीक ऑयल नहीं बनाने वाले हैं, वही ऑयल आपको रेगुलर यूज़ करना है। एंड इसके अलावा मैंने हेयर वॉश आपको दे दिया है, टोनर दे दिया है एंड हेयर शैम्पू दे दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ लेकर आई हूँ जो कि है हेयर पैक, यानी कि हेयर ग्रोथ पैक है ये। तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों की लंबाई इंक्रीज़ होगी, बाल हैं वो थिकनेस आएंगे, न्यू हेयर सारा स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट ही ऐसे हैं कि आपके बालों में मतलब कि एक जान आ जाएगी, ये समझ लो। कितने भी बेजान बाल हैं, डैमेज हैं, बिल्कुल भी बाल अच्छे नहीं हैं, आप लोगों को लगता है कि यार अब तो बाल कटा लिए जाएँ, है ना, इतने ज़्यादा बाल ऐसे हो गए हैं, अब बाल बढ़ ही नहीं रहे तो चलो कटा लेते हैं। काफ़ी कमेंट आते हैं मुझे कि दी आपसे हम लोग मिले हैं बाद में और मैंने तो बाल कटा लिए, तो मुझे एक कमेंट आया था, इतनी हंसी आई, वो उन्होंने लिखा था कि दी हम मैंने आज आपका चैनल देखा है एंड मैंने 2 दिन पहले अपने बालों को कटवा लिया, तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कटवा लिया लेकिन अब तो आप अपने बालों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, बालों की केयर अच्छी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड इस पैक को देखते हैं कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किए हैं, कैसे बनाया है, है ना, वो साथ ही साथ में सारे फ़ायदे हैं वो आपको बताऊंगी, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ। एंड कभी भी मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकती, मतलब मेरी आदत ही है कि मैं हर चीज़ आपको डिटेल में ही बताऊँगी, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आप सिर्फ रेसिपी, जो रेमेडी मैं आपको बताती हूँ ना, सिर्फ ये मत देखा करो क्या क्या डाला है इसमें, इसके पीछे क्या वो है, मैं क्यों ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, वो उसके ऊपर आपका माइंड जाना चाहिए कि मैंने आंवला लिया तो आंवला क्यों लिया, इसमें क्या होता है, क्या बालों में करेगा ये, है ना। अगर मैंने एलोवेरा डाला तो एलोवेरा क्यों डाला मैंने, क्या होगा आपके बालों में इससे, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं इसको कैसे बनाना है और कैसे हमें इसे अप्लाई करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो गाइस इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज आज मैं आपको एक पैक तो बताऊंगी ही, इसके साथ ही साथ जो मैंने हेयर वॉश कल वाटर आपके साथ शेयर किया था कल की वीडियो में, हेयर डंक करना मैंने बताया था ना, आंवला रेटा शिकाकाई का जो पानी बनाया था हमने बॉटल में भर के रखा था, इसको आप कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं ये मैंने इस वीडियो में बताया है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। टोटल मैंने 5 वे बताए हैं कि 5 तरह से आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं एंड अपने बालों को तेज़ी से लंबा, घना और मुलायम एंड ब्लैक, है ना, बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, ये कल का ही मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ कि कल हमने इसी तरह से इसका पानी है वो बॉईल किया था, फिर हमने हाथों से इस तरह से इसमें से निकाल के और सारा वाटर है उसे सेपरेट अलग निकाल लिया था और फिर मैंने बॉटल में भर लिया था, ठीक है। यहाँ तक मैंने कल आपको बताया है, आप लोगों ने भी काफ़ी ने बोला था हम ये बनाएंगे और लिटरली गाइज मतलब मैं आपको बोलूँगी इस पानी को आप हमेशा बना कर रखो, हमेशा, ख़त्म हो जाए फिर बना लो, ख़त्म हो जाए फिर बना लो, बिकॉज आंवला रीटा शिकाकाई है ना आपके बालों में एक अलग ही अद्भुत मतलब बालों को कर देता है। आपके बाल हैं वो इतने ज़्यादा तो मतलब लंबे होंगे, इससे घने होंगे, मोटे होंगे, मतलब ये तीनों जो है ना, ये तीनों इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा सदियों पुराने इंग्रेडिएंट हैं और लिटरली इससे बाल बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए हमेशा इस वाटर को बनाकर रखिए। एंड कैसे यूज़ करेंगे आप, कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं आपको अब कंटिन्यू बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो यूज़ होगा इसका
वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। देखिए फर्स्ट यूज़ मैं हेयर डंक बता रही हूँ आपको। जब भी आप हेयर डंक करेंगे उस पानी में, बाल्टी में आपको इसके दो ढक्कन के करीब डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद में पूरा मिक्स कर लीजिए अच्छे से इसको, एंड उसके बाद आप हेयर डंक इससे करिए। मैंने जब ये हेयर डंक किया ना, उसके बाद में मेरे बाल इतने सॉफ्ट, इतने मैनेजेबल हो गए ना, टैंगल फ्री ऑटोमेटिक हो गए। सीरियसली बता रही हूँ, बिल्कुल टैंगल्स नहीं आ रहे थे बालों में, एंड बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ बाल हो गए। एंड आपके बालों में एक वॉल्यूम भी आएगा, आपके बाल है ना एकदम भारी भारी टाइप लगेंगे। तो ये फर्स्ट यूज़ है इसका। इस तरह से आप हमेशा जितनी बार हेयर वॉश करोगे उतनी बार आपको ये वाला प्रोसेस करना है, ठीक है। तो एक हमने ये यूज़ कर लिया इसका। सेकेंड जो हम यूज़ करने वाले हैं वो मैं आगे बताती हूँ आपको। और हेयर डंक ज़रूर करिए, इससे बाल बहुत लंबे होते हैं, तेज़ी से लंबे होते हैं बाल। कम से कम 5 से 6 बार आपको हेयर डंक करना है, बहुत देर तक नहीं करना। ऐसा नहीं है 2-3 मिनट कंटिन्यू कर रहे हैं। एक कमेंट आया था कि दी आप कंटिन्यू 3 मिनट तक हेयर डंक करो, मैंने कहा पॉसिबल नहीं है डियर, ऐसा आप लोग भी मत करना। 3 मिनट तक करोगे ना सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना लंबा टाइम तक ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 5 से 6 बार आपको डाउन करने अपने हेयर को डंक करना है, ठीक है। एंड सेकेंड यूज़ अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ, यही वाली देखिए बॉटल है, इसके अंदर मैंने एक बार फिल कर लिया और मैंने इसे अभी तक फ्रिज में नहीं रखी है। जब मैंने इसको बनाया था ना, आपने देखा था, मतलब कब मैंने शैम्पू आपके साथ शेयर किया था, तब से ये बॉटल बाहर ही पड़ी है, ओके। तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है अभी तक, बस ऐसी जगह रखना जहाँ पर थोड़ा ठंडक हो, ओके। एंड इसके बाद में अब हम देखेंगे कि सेकंड यूज़ आपको क्या करना है। इसका कम से कम 3 से 4 चम्मच के करीब पानी है, वो वाटर है वो ले लीजिए, ठीक है। इस वाटर को आपको 3-4 चम्मच ही लेना, मतलब आपके स्कैल्प में, आपके बालों में लग जाए इतना लीजिएगा, ठीक है। एंड जो जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ सब आपको कब करने हैं, जब आप हेयर वॉश करोगे ना उससे पहले ही करने हैं, मतलब 1 घंटे पहले ये सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद में हेयर वॉश कर लेना। क्योंकि रात में हम इसे लगा कर नहीं रख सकते, अगर रात में लगाया तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, मतलब कि टाइट हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम कोई पैक लगाते हैं तब बाल हार्ड होता है ना, पैक सूखता है वैसे, तो ये भी पानी जब सूखता है ना तो बालों को हार्ड उस वक्त करता है, लेकिन आफ्टर वॉश बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ बना देता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी शैम्पू करेंगे उससे पहले ही करेंगे इसको, या शैम्पू की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको लगाने के बाद डायरेक्ट पानी से भी बाल धोगे ना तो भी बाल बहुत मैनेजेबल हो जाएंगे, शैम्पू की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ ये वाटर लिया है और इसमें मैं कोकोनट ऑयल है इसका 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। ये कोकोनट ऑयल 1/2 चम्मच डालकर और सिर्फ इसको कैसे यूज़ करूँगी आगे मैं आपको बताऊँगी। एंड कोकोनट ऑयल मैंने इसलिए डाला बिकॉज इसमें आंवला होता है ना, आंवला आपके बालों को थोड़ा ड्राई करता है, ठीक है, थोड़ा सा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, फ्रेजी रहते हैं, तो आपको इसमें ऑयल है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे तो इसके अंदर, इस पानी में एक मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है। इस मॉइस्चर की वजह से हमारे बाल है ना वो मॉइस्चराइज रहेंगे, बाल है वो एकदम से मतलब फ्रेजी नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे, ठीक है। एंड जो सेकंड यूजेज है उसका भी बिल्कुल ऐसे ही आपको ये बना लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद में एक कॉटन ले लीजिए, कॉटन को इसमें डीप करना है आपको, और उसके बाद में आपको इसको अपने स्कैल्प के ऊपर लगाना है, ठीक है। आपकी जो स्कैल्प है, हेयर रूट्स है ना, यहाँ लगाना है, लेंथ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कैल्प पर लगाइए। इससे क्या होगा कि आपके जो हेयर रूट्स है ना वो मजबूत होगी, ठीक है। एंड जिसके प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है ना वो भी चली जाएगी धीरे धीरे, बाल हैं वो ग्रे, जो आपके बाल हैं वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगेंगे, बिकॉज ये जो है ना आंवला रीटा शिकाकाई का पानी ये आपके बालों को काला बना के रखेगा, ठीक है, नेचुरली काला करेगा। रेगुलर यूज़ से होगा, ऐसा नहीं है कि आज लगाया तो आज ही काले हो जाएंगे, ठीक है। आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके बाल हैं वो सच में काले होना स्टार्ट हो जाएंगे, बालों में मजबूती आएगी, हेयर रूट्स स्ट्रांग होगी और बाल हैं वो बीच बीच से डैमेज नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर अब मैं इसका थर्ड यूज़ आपको बता रही हूँ कि थर्ड हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए ये वाटर हमने बनाकर रख लिया, अब हम सिर्फ हेयर डंक में तो यूज़ नहीं करेंगे, इसे और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के भी एक बार माइंड में आ जाए ना कि हाँ हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप जो भी रेमेडी बनाओगे ना तो आपके माइंड में होगा चलो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए थर्ड मैं जो यूज़ बता रही हूँ, थोड़ा सा मैंने फिर से लिया है कम से कम 4-5 चम्मच के करीब। अब इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल, ठीक है, बालों को आपके फ्रेजीनेस को दूर करने के लिए, बाल हैं उनमें मजबूती लाने के लिए, है ना। स्कैल्प के अंदर अगर डैंड्रफ हो रहा है उस डैंड्रफ को भी दूर करने के लिए, क्योंकि एलोवेरा आपको पता है उसके अंदर भी भरपूर मात्रा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिंस होते हैं जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, 100
अगर हम बात करें तो 200 न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, है ना, 18 अमीनो एसिड्स हैं, 20 विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब मिलकर आपके बालों को तेज़ी से लंबा, घना और सॉफ्ट बना देते हैं। डैंड्रफ की शिकायत दूर होती है, अगर आपके इचीनेस है, ड्राईनेस है, है ना, एंड अगर जुएं भी हो गई है, काफ़ी कमेंट आ जाते हैं कि दी हमारे हो गई है, तो उसमें यही होता है कि आपकी स्कैल्प को क्लीन रखिए। आप जितना अपनी स्कैल्प क्लीन रखेंगे उतना आपकी स्कैल्प में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ना डैंड्रफ होगा, ना ही जुएं होगी, ना ही कुछ और इन्फेक्शन होगा। अगर आप अपनी स्कैल्प को क्लीन नहीं रखते हैं ना, जैसे ऑयल लगा लिया, चार चार दिन तक आपने चोटी बनी हुई है और ऑयल वापस निकाला नहीं, तो उससे आपकी स्कैल्प है वो ऑयली बनती है और ऑयली से फिर वो सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा मैंने एलोवेरा इसमें ऐड किया है एंड बस इसके अंदर ये डाला है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर आधा चम्मच के करीब मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल की जगह, है ना, कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, एंड इसकी जगह आप, हमने जो तुरई ऑयल बनाया था एंड जो वीक फर्स्ट में जो ऑयल बनाया था ना, वो ऑयल भी आप इसमें आधा चम्मच डाल सकते हो, मतलब कोई भी ऑयल इसमें आधा चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन वो सारा मेरा DIY होना चाहिए, मार्केट का ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है। DIY ऑयल हो या फिर आंवला इसका कोकोनट ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल है, है ना, ऑलिव ऑयल है या फिर सिसमे ऑयल है, इनमें से कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं जो कि एकदम बेस होता है ना प्योर, वो वाला, ठीक है। बस ये इसको रेडी करके, और इसको भी आपको कैसे यूज़ करना है, अपने स्कैल्प पर लगाना है अच्छे से, स्कैल्प पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आधे या हार्डली एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद में क्या करना है आपको, बस हेयर वॉश कर लेना है। आपको शैम्पू की रिक्वायरमेंट हो तो शैम्पू करिए, अगर ज़रूरी नहीं है, शैम्पू नहीं करना है, तो सिंपल सा पानी से वॉश कर लीजिए, आपके बाल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, बालों से सारा टेंगल्स निकल जाएगा, बाल धीरे धीरे देखना काले होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सफ़ेद बाल है ना, अगर आप इसे रोज़ यूज़ करोगे ना इस पानी को एवरीडे, जहाँ वाइट बाल है ना वहाँ रोज़ आप बालों में इसको लगाकर आधे घंटे छोड़ दिए और सिर्फ पानी से धो लेना, जैसे काफ़ी लोगों के आगे की साइड से ना वाइट बाल निकल जाते हैं, है ना, तो आप यहाँ पर क्या करो, दोनों साइड में वाइट, ये जो ब्लैक पानी है ना, इसको लगा लीजिए आधे घंटे छोड़ के, और उसके बाद में सिंपल सा पूरे बाल धोने की भी ज़रूरत नहीं है, आगे से ही आप थोड़ा सा पानी लेके और वापस से क्लीन कर लीजिए। तो आप रोज़ इससे करेंगे ना, तो धीरे 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 आपके जो वाइट बाल है ना वो एकदम ग्रे कलर में आने लगेंगे, फिर धीरे धीरे ब्लैक कलर में आने लगेंगे, ठीक है। एंड अब मैं इसका यूज़ बता रही हूँ नेक्स्ट, जो फोर्थ यूज है इसका, कि यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ये शावर, मतलब कि शावर लेने के लिए, अपना शैम्पू करने के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ये पानी लिया है एंड इसमें मैं शैम्पू ऐड कर दूंगी, जो भी शैम्पू आप लोग यूज़ करते हैं वो करिएगा। यहाँ जो आप शैम्पू देख रहे हैं, मुझे पता आप लोग पूछोगे ये कौन सा शैम्पू है, इसको मैंने अभी 3 बार यूज़ किया है एंड इसकी प्रॉपर एक वीडियो आने वाली है, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग शैम्पू है, चलो मैं इसके बारे में बताऊंगी वीडियो के अंदर। अभी मैंने इसमें ऐड किया है इस शैम्पू को, और ये हमारा वही पानी है, बस दोनों को मिक्स करना है और फिर आपको शैम्पू कर लेना है। तो आप जो भी शैम्पू करेंगे उसमें इसको मिक्स करके और आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि आप देखो एक पानी हमने बनाया है और इसके कितने यूजेज हैं, मतलब आप जब भी कोई भी चीज लगा रहे हैं अपने बालों में, आप इस पानी को उसमें मिक्स कर दीजिए, आपके बालों में जो गुडनेस है ना उस चीज़ की, उसकी गुडनेस है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आंवला रीठा शिकाकाई है ही ऐसी चीज़ कि आपके बालों में एक जान लेकर आ जाता है। आपके बाल अगर बेजान है ना, तो उनमें लिटरली बालों में जान आती है, बाल मजबूत होते हैं, रूट से मजबूत होते, तो आपके बाल हैं वो रूट से इससे मजबूत होंगे। तो चलिए अब मैं लास्ट फिफ्थ जो इसकी यूजेज है वो बता रही हूँ, कि जब भी आप मेहंदी लगाते हैं, है ना, बालों में, तो मेहंदी आप जितनी भी ले रहे हैं उतना मेहंदी लीजिए अपने बालों के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको पता है मुझे बहुत पसंद है मेहंदी और मैं लगाती ही रहती हूँ, हमेशा मैं शूट नहीं करती बट मेहंदी मैं लगाती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी ली है 4-5 चम्मच मेहंदी एंड बस फिर मैंने क्या किया, आंवला रीठा शिकाकाई का जो ये पानी है, इस पानी को इसके अंदर डाल दिया है, यानी कि हमने इसमें आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला, पूरा इसी पानी में भिगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बस आधा कप के करीब या इसमें डाल दीजिए ताकि आपकी मेहंदी में गुडनेस इसकी आ जाएगी, ओके। उसके बाद में आप नॉर्मल जो पानी है उससे आप इसे मेहंदी को भिगा सकते हैं एंड इसको आप डाल रहे हो इस पानी को, इसके साथ ही साथ आप ब्लैक टी का पानी भी बनाकर डाल सकते हैं, इससे आपका हेयर फॉल भी कम होगा एंड बाल है उससे नेचुरली काले होना भी स्टार्ट होते हैं, इससे भी नेचुरली काले होंगे। तो ये मैंने पैक बनाया है, अभी मैं मेहंदी का बता रही हूँ, लेकिन आप कोई भी पैक बना रहे हो ना अपने बालों के लिए, कोई भी पैक, मैंने जो DIY पैक दिए उन पैक में भी आप इसके 2 ढक्कन के करीब ये वाला वाटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आज टोटली सारे यूजेज इसके बता दिए, बिकॉज जब मैंने शैम्पू बनाया था एंड मैंने इससे पहले भी ये वाला कई बार शैम्पू बना बना के मैं रखती रही हूँ, हमेशा मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि एक बार जो वीडियो चली जाती है बार बार उस पर वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं उस चीज़ को बार बार बनाती रहती हूँ। जैसे ही ख़त्म होती है, मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उसको फिर से बना लेती हूँ, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मैं इस तरह से ही यूज़ करती हूँ हमेशा। ये वाटर जब मैं बनाती हूँ ना, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ इस पानी को। तो मैंने सोचा चलो आज आपको एक प्रॉपर पूरा गाइड किया जाए, आपको भी बताया जाए कि आप लोग इस पानी को सिर्फ एक हेयर डंक में यूज़ मत करना, आप बहुत सारी वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, बना कर रख लीजिए, हमेशा बनावा रखिए इस पानी को और यूज़ करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करके जाना, हर एक लाइक करना, कम से कम 2000 लाइक आज कर देना, इतनी मेहनत की, इतने सारे यूजेस बताएं आपको, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड सबके साथ शेयर करिए, बिकॉज देखिए लॉकडाउन है, सब घर में है, मैं चाहती हूँ सब अपने हेयर की केयर करें, बिकॉज अभी गर्मी भी चल रही है, फिर विंटर आ जाएगी तो कोई भी नहीं करेगा, है ना। गर्मियों में हम चाहें जितना केयर कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है आप लोगों के लिए एंड शेयर जरूर करना सबके साथ में, ठीक है। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।